हेलो गाइस, मैं आशीष विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएन एंड आरएम एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे पीयूडी, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के बारे में, है ना। मेडिकल सर्जिकल से ये टॉपिक उठाया है मैंने। और इंट्रोडक्शन, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी यानी रिस्क फैक्टर, टाइप्स ऑफ पीयूडी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीयूडी एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम इसका। पूरा डिटेल रहेगा इसके अंदर और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो देखने से पहले वीडियो लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ओके गाइस, इंट्रोडक्शन। पेप्टिक अल्सर इज अ लीजन इन द लाइनिंग म्यूकोजा ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टिपिकली इन द स्टोमक और ड्यूडेनम, कॉज बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ पेप्सिन एंड स्टोमक एसिड। तो पेप्टिक अल्सर जो होते हैं वो लीजन और लाइनिंग म्यूकोजा के ऊपर बन जाती है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, है ना। और ये स्टोमक में और ड्यूडेनम में होते हैं लीजन्स, हॉल सोर होते हैं, है ना। जो पेप्सिन का एक्शन रहता है और जो हमारे स्टोमक का एसिड रहता है उसकी वजह से ये होता है। लीजन में सबके सिक्वेंसली अकर्स इनटू द लेमिना प्रोपीरिया एंड सब म्यूकोजा टू कॉज ब्लीडिंग। मोस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर अकर इधर द ड्यूडेनम और द स्टोमक। अल्सर में अल्सो अकर्स इन द लोअर इसोफेगस ड्यू टू रिफ्लेक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, रेयरली इन कंटेंट एरियाज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीजन्स बनते हैं, है ना, और म्यूकोजा के अंदर लीजन्स बन जाते हैं, उस वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ पेप्टिक अल्सर होते हैं ये ड्यूडेनम स्टोमक के अंदर, है ना। और कभी कभी क्या होता है, ईसोफेगस के अंदर रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट रहता है वो ऊपर आ जाता है, है ना। और कभी कभी जो कंटेंट रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी इफ़ेक्ट करता है, वहाँ भी अल्सर फॉर्मेशन कर देता है। डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर इज अ होल और ओपन सोर इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ड्यूडेनम, बिगिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस। तो जो पेप्टिक अल्सर, इसके अंदर होल हो जाते हैं, सोर बन जाते हैं, जैसे इमेज में इसमें दिखाया गया है, है ना। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, स्टार्ट होता है और इसोफेगस तक ये इफेक्ट करता है। पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो इसमें डिफेंसिव और एग्रेसिव दो पार्ट दिए गए हैं इसके। डिफेंसिव यानी ये रोकता है, लड़ता है उससे, और एग्रेसिव में ये क्या करता है, उसको बढ़ाता है, है ना, पेप्टिक अल्सर को। तो बाइकार्बोनेट म्यूकस लेयर, प्रोस्टाग्लैंडिंस, म्यूकोजल ब्लड फ्लो, एपिथेलियल रिन्यूबल, ये क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और इसको बढ़ाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, NSAID जो ड्रग्स रहती हैं वो, पेप्सिन जो एसिड है स्टोमक का, जो स्टोमक रिलीज करता है, बाइल एसिड्स, स्मोकिंग एंड एल्कोहल्स, ये इसको क्या कहते हैं, बढ़ाते हैं। लोकेशन देख लेते हैं, तो लोकेशन में इसमें ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस जो रहता है आहार नाल, उसमें स्टोमक के अंदर जो खाने की थैली रहती है उसके उसमें भी, और ड्यूडेनम पार्ट एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट, उसमें जिजनम में भी हो सकता है। अगर जिजनम में होता है तो उसको जोलिंजर इलीजन सिंड्रोम कहते हैं। सिम्टम्स इसके देखते हैं हम, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यूजुअली अकर्स इन द एपिगैस्ट्रिक एरिया, अपर मिडिल पार्ट ऑफ द एब्डोमन, रेडिएटिंग टू बैक, डिस्क्राइब एज। तो ये अगर एब्डोमन डिस्कम्फर्ट होता है इसके अंदर, है ना, और ये अपर एरिया को क्या करता है, इफेक्ट करता है एब्डोमन के। डल वार्मिंग एज कम्स एंड गोज फॉर सेवरल डेज, पेन मे इंक्रीज व्हेन द स्टोमक इज एम्प्टी एट द नाइट ऑफ हाफ टू थ्री आवर्स आफ्टर मील, पेन इन रिलीफ बाय ईटिंग एन एंटासिड मेडिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जैसे खाना खा लिया, शाम को खाना खा लिया और तो 3-4 घंटे बाद उसका पेन स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही स्टोमक खाली होगा वैसे इसका पेन स्टार्ट हो जाता है खाना खाने के 3-4 घंटे बाद।
वजह से ही खाना खा लेते हैं, इसका दर्द कम हो जाता है, या फिर कोई एंटासिड मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं हम तो इससे पेन इसका कम हो जाता है। अदर सिम्टम इसमें वेट चेंजेस आ सकता है, फर्टिग हो सकता है ना, ब्लॉटिंग हो सकता है इसमें, चेस्ट पेन हो सकता है यानी सीने के अंदर दर्द हो सकता है, बर्फिंग डकार आ सकती है इसमें, जो इंडाइजेस्टिव बर्फिंग होती है वो, नोजिया एंड एनोरेक्सिया इसके अंदर हो सकता है ना, ये कॉमन सिम्टम है गैस्ट्रिक अल्सर का, वॉमिटिंग हो सकती है इसमें है ना, रिलीव्स एपिसोड ऑफ सीवियर पेन ड्यू टू एवेक्यूएशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट, जैसे उल्टी हो जाएगी तो पेन फेस में क्या होगा, कम हो जाएगा। फर्स्ट इसमें कॉन्स्टिपेशन 5% क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्रॉनिक एड्यूनियल अल्सर के अंदर है ना। सेकंड इसमें हार्ट बर्न हो सकता है ना, जलन होगी इसमें चेस्ट पर। इमरजेंसी सिम्टम्स के अंदर ब्लडी एंड ब्लैक स्टूल हो सकता है, ब्लैक कलर का स्टूल मेलिना कहते हैं वो आ सकता है इसमें, प्रेस ब्लड भी आ सकता है मोशन पास करने में, ब्लडी वॉमिटिंग एंड वॉमिट दैट लुक लाइक कॉफ़ी ग्राउंड्स, और ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है, यूजीआई ब्लीड हो सकती है इसके अंदर, और जो कॉफ़ी कलर का भी इसमें वॉमिट कर सकता है पेशेंट। तो ये इमरजेंसी सिम्टम है, अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है, एडमिट होना है। दे कुड बी साइन एंड सीरियस प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है, परपोरेशन वेन द अल्सर वॉरोज थ्रू द स्टोमक एंड ड्यूरिनल वॉल, ड्यूरिनल वॉल के अंदर क्या हो सकता है, परपोरेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी इंटेस्टाइन के अंदर छेद छेद हो जाएंगे, सड़न होने लगेगी और हॉल्स बन जाएंगे इसमें इंटेस्टाइन में। ये सेकेंड इमेज दिखाया गया है, इसमें होल बना हुआ है ना, ब्लीडिंग वेन द अल्सर ब्लॉक्स पैथ फॉर ट्राइंग टू लीव द स्टोमक, अगर पेशेंट खाना खाएगा ये जो हॉल रहता है ये ब्लॉक हो जाता है तो पेन कम हो जाता है ना, जैसे वहाँ से खाना आगे चला जाएगा फिर पेन बढ़ जाएगा। स्ट्रेस इनक्रीज एस सी एल सिक्रीशन, तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से क्या होता है, एस सी एल सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, उस वजह से भी होने के चांसेस होते हैं, या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं उनका ज़्यादा यूज करने में, हल्का सा पेन हुआ, हेडेक हुआ, कुछ हुआ, तुरंत टैबलेट ले ली, बार बार टैबलेट जो लोग खाते हैं जिनको हैबिट होती है हर छोटी सी बात पर टैबलेट खाने की, उनको भी चांसेस होते हैं ज़्यादा होने के। और डायग्नोसिंग एच पायलोराई, तो एच पायलोराई का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से भी हो जाते हैं, इसमें क्या होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट यानी स्मेल आएगी इसकी, जो सांस रहेगी उससे स्मेल आएगी है ना, यूरिया ब्रीथ आएगी उस, तो ये टेस्ट होता है इसमें। और एच पायलोराई का सेकेंड जो रहेगा स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं है ना, और टिश्यू टेस्ट हो सकता है इसका, और कोफैक्टर्स जो रहेंगे इसके वो सिगरेट स्मोकिंग, जो चेन स्मोकर्स रहते हैं है ना, उनको भी चांसेस होते हैं पीयूडी होने के, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा यूज करने की वजह से म्यूकोजा डैमेज हो जाती है, इस वजह से भी पीयूडी हो सकता है। कॉफ़ी जो लोग पीते हैं, कोला जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हैं उनको भी हो सकता है, स्पाइसी फूड वालों को भी हो सकता है, और कैफीन का यूज़ करते हैं उनको भी यूडी होने के चांसेस रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर के बारे में जानेंगे, ड्यूडिनल अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ईसोफेसियल हो सकते हैं, या फिर जॉलिंजर इलिजन सिंड्रोम जो बताया था मैंने, सीवियर पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, गैस्ट्रिनोमा, आइसोलेट सेल ट्यूमर एंड पेंक्रियाज, कर्लिंग अल्सर भी हो सकता है, ये इसके टाइप्स हैं, आगे देखेंगे इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये फर्स्ट इमेज में दिखाया गया है ड्यूडिनल अल्सर, डी यू कहते हैं इसको, वो गैस्ट्रिक अल्सर जी यू कहते हैं इसको, ये डिफरेंस है इसका, ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चलता है। ईसोफेजियल अल्सर है ना, इसके ज़्यादातर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसमें आयरन डिफिशेंसी हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि जो अल्सर रहेंगे वहाँ से ब्लीडिंग होगी, वो ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा, एनीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे पेशेंट को, या फिर क्रॉनिक, अगर इसमें क्रॉनिक गर्ड भी हो सकता है, गर्ड के बारे में हम जानेंगे आगे है ना। तो गर्ड को गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज इज़ द एबनॉर्मल बैक फ्लो ऑफ स्टोमक एसिड जूस इन द ईसोफेगस,
तो इसमें क्या होता है, जो स्टोमक और ईसोफेगस को डिवाइड करता है, एक बॉल्ब होता है जिसको कार्डिया कहते हैं। कार्डिया प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर पाता और तो उसका बैक फ्लो होने लगता है, वो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टोमक से ईसोफेगस के अंदर आने लगते हैं, है ना। आगे देखते हैं इसमें, दिस इज बैक फ्लो अकर्स व्हेन द वॉल्व बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड द स्टोमक डज नॉट क्लोज टाइटली इनफ। जैसे मैंने बताया था कि कार्डिया एबनॉर्मल वर्क करने लगता है ना, उस वजह से। इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स में देखते हैं, तो इसमें दिखाया गया है 72 ईयर्स ओल्ड वूमेन विथ स्क्लेरोडर्मा एंड एसोसिएटेड क्रॉनिक रिफ्लेक्स विथ सीवियर डिजिटल इसोफिजल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड एक्सटेंसिव डीप अल्सरेशन। तो ये इसमें दिखाया गया है ना, ऐसे हो जाता है ईसोफेगस के अंदर। और ये सेकेंड इमेज है 83 ईयर वुमेन का। ये एंडोस्कोपिक इमेजेस हैं जो इसमें दिखाए गए हैं, है ना। तो ये बेराइसिस होने लगते हैं, ब्लॉक करने लगता है ईसोफेगस को, है ना। तो यहाँ बैलून से डायलेट करते हैं इनको, जो अपने लीवर्स के लीवर और जीआई के डॉक्टर्स रहते हैं, है ना, वो बैलून एंडोस्कोपी से क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे कहीं ब्लॉक हो गया ईसोफेगस के अंदर, तो वहाँ पे बैलून डाल के उसको इन्फ्लेट करके उस जगह को खोल देते हैं, है ना। ये सेकेंड इमेज है। और जोलिंजर लीजन सिंड्रोम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये पेंक्रियास के ऊपर क्या हो जाता है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूमर फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, अब वो जो ट्यूमर रहता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहता है ना, कैंसर सेल रहती है उसके अंदर। तो उस वजह से भी क्या है, हार्मोन्स जो रहते हैं एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, इस वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। कर्लिंग्स अल्सर इज एन एक्यूट पेप्टिक अल्सर ऑफ द ड्यूडेनम रिजल्टिंग एज अ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सीवियर वर्न व्हेन रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम लीड टू स्लॉगिंग एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा। स्ट्रेस अल्सर वंस कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीरियस बर्न, स्पेशली कॉमन इन चाइल्ड बर्न विक्टिम। तो ये बच्चों में होते हैं ज़्यादातर, है ना, जो चाइल्ड बर्न विक्टिम्स रहते हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग हो सकता है, परपोरेशन होने के चांसेस रहते हैं, नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन। नैरोइंग यानी पतली हो जाती है ईसोफेगस, या जिस पार्ट में अल्सर फॉर्मेशन आया हो रहा है वहाँ पे, और ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट आ जाती है, ट्यूमर्स बन जाता है तो ब्लॉक करने लगती है उस जगह को। ये इमेज जो है ये एक्सरे है, तो इसमें बेरियम एक्सरे करके एग्जामिन करते हैं, बेरियम डाल के और फिर एक्सरे होता है उसका, तो ब्लॉकिंग पता चल जाती है ना, परपोरेशन पता चल जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन पता चल जाता है, और उसमें दिख जाता है ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ से मोशन कहाँ कहाँ रुका हुआ है, कहाँ परपोरेशन है, वो क्लियरली इसमें देख लेते हैं। अब H2 स्टामिन्स इसमें यूज़ होती हैं, है ना, जिसमें नाजिरिटिन और फेमोटिडिन, रेनिटिडिन, सिमिटिडिन का यूज़ करते हैं। जैसे ये रेनिटिडिन है, इसका यूज़ होता है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स इसमें रेविपैराजॉल, पेंटोपैराजॉल, इसोमोपैराजॉल, ओमीपैराजॉल, आइसनोपैराजॉल का यूज़ होता है इसमें, तो वो प्रोटोन पंप का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। ये इसके इमेजेस हैं मेडिसिन के। एंटी मस्कुलिन ड्रग्स जो मसल्स को क्या करती हैं, रिलीफ देती हैं, है ना, और SCL के सिक्रीशन को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, कम करती हैं। तो उसमें सुक्राफिट्स जो सीरप आता है, सुक्राफिट्स का वो यूज होता है, मीसोपोस्टॉल एंटासिड, बाइसिलेट्स का यूज होता है इसके अंदर, है ना। सुक्राफिट जो रहता है वो यूज होता है इसके अंदर, सुक्राफिट, सुक्रोज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है इसके अंदर, सुक्राफिट जेल आता है, सीरप आता है, ये रिलीफ करता है ना, जो मसल जो लेयर रहती है उसको क्या करता है, कंफर्टेबल करता है, रिलैक्स देता है, पेन कम करता है ना। बिस्मथ सिलेट्स रहती है, मीसोप्रोस्टॉल साइटोटेक रहती है ना, एंटासिड रहते हैं, अनसुटेबल एंटासिड रहते हैं साथ में इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों रहता है इसमें,
ना, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जो एच पलराई जो बैक्टीरिया रहता है उसको किल करता है। तो मेनली ये यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और पेंटोपेराजोल, इनका यूज करके रिलीफ मिलता है ना। फिर रहता है सर्जरी, है ना, लास्ट मेथड इसका सर्जरी होती है इसमें, जिसमें पायलोप्लास्टी, बेगोटोमी, ड्रेन रहता है, एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, हाईली इफेक्ट बेगोटोमी होती है, बेगोटेमी एंड एंट्रेक्टोमी रहती है। डाइट्री चेंजेस दैट मे बी हेल्पफुल, जो खाना जो डाइट्री चेंजेस रहती है उनको उनको मैनेज करने से, के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से भी आपको रिलीफ मिल सकता है ना। तो उसमें जो शुगर ज़्यादा लोग खाते हैं वो प्रॉपरली कम खाना है, नमक का कम यूज, हाइगर इंटेक जो करते हैं उनको क्या करना है, कम करना है, ताकि जो अल्सर जो रहते हैं वो उनको कम किया जा सके, है ना। और मैनी ईयर्स एगो रिसर्चर्स रिपोर्टेड टू कावाज जूस, तो जो कावाज का जूस रहता है वो यूज करते थे उसको हील करने के लिए, पेप्टिक अल्सर को हील करने के लिए, या फिर जो कैरेट जूस रहता है ना, कैरेट रहता है गाजर वगैरह, उसके जूस से भी रिलीफ मिलता है। लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए बोला गया है इसमें, आप जो बार बार जो लोग कुछ थोड़ा सा हेडेक या फिर छोटे छोटे पेन पर मेडिसिन खाते हैं, एस्प्रिन, अल्कोहल, कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग, ये सब आपको क्या करने होंगे, बंद करने होंगे, तो क्या होगा, अल्सर उसमें रिलीफ मिलेगा। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स में आपको विटामिन ए का यूज़ करना है, जिंक, कॉपर का यूज़ कर सकते हो, ग्लूटामिन एंड अमाइनो एसिड्स यूज कर सकते हो, विटामिन सी का यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ये रिलीफ करेगा। और जो गार्लिक रहेगा, लहसुन, आपको वो यूज करना है, ये एंटी हेलिकोबैक्टर एक्टिविटी करता है ना, उसको कम करता है। प्रिवेंशंस आप इसमें ले सकते हो, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ अल्सर फ्रॉम एच पायलोराई इन्फेक्शन, वॉश योर हैंड यूजिंग आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम एंड बिफोर ईटिंग अ प्रिपेयरिंग फूड। वॉशरूम से आने के बाद आपको हाथ हैंड वॉश करना है, खाना खाने के पहले करना है, जो आप पानी का यूज कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए, है ना, सेफ सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप पानी यूज कर रहे हो। स्मोक नहीं करना है, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है आपको, है ना, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग से भी क्या होता है, बढ़ते हैं। प्रिवेंशंस दिखाए गए हैं इसमें, NSAID कम करना है, लेना नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल लेने की आदत है तो वो आपको नहीं लेना है। गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी अल्सर ऐसे होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर ये स्टोमक के वॉल पर दिखाया गया है, जहाँ लिखा गया है लेज़र कर्वेचर लिखा हुआ है ना। तो ये अल्सर दिखाया गया है, गैस्ट्रिक अल्सर, ये पाइलोरिक स्प्रिंक्टर के बाद में जो ड्यूडेनम पर अल्सर है उसको ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे, यानी जिस पार्ट में होगा वो उसको वही कहा जाएगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम इसके देखेंगे, तो ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। एज, यानी एज स्पेशली 30 to 40, 30 से 40 साल का जो रहेगा उसमें ड्यूडेनल अल्सर होने के चांसेस रहेंगे। गैस्ट्रिक अल्सर 50 से 60 वाली एज में होगा, है ना। और सेक्स के अंदर देखेंगे तो मोर इन मेल, है ना, ड्यूडेनल अल्सर मेल में ज़्यादा होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं। ऑक्यूपेशन स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस रहता है ना, दोनों जॉब स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं या फिर कोई और स्ट्रेस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जॉब स्ट्रेस ही हो। और पेन जो रहेगा, एपिगैस्ट्रिक और डिस्कम्फर्ट लगेगा इसमें, एपिगैस्ट्रिक यानी चेस्ट के जो बीच में पेन होता है स्टर्नम के पास में नीचे, उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहा गया है ना। ये भी एपिगैस्ट्रिक पे होगा पेन, लेकिन इसका पेन क्या होगा, पीछे की ओर, बैक की ओर चलेगा, चलेगा पेन इसका, रेडिएट होगा। और पेन जो इसमें ऑनसेट होगा वो 2 से 3 घंटे बाद, खाना खाने के 3 से 2-3 घंटे बाद नाइट में हो सकता है, और गैस्ट्रिक अल्सर का तुरंत हो सकता है या फिर खाना खाने के बाद हो सकता है पेन, है ना। और इसके अंदर क्या होगा, भूख लगेगी, और इसमें खाना खाएगा, कम खाएगा पेशेंट खाना, है ना। सेकंड इसमें देखेंगे, रिलीव्ड बाय ड्यूरिनरी अल्सर, रिलीव करेगा, पेन कम करेगा खाना खाने पर। गैस्ट्रिक अल्सर जो रहेगा वो लाइन डाउन पोजीशन में अगर लेटता है तो पेन कम होता है, या फिर उल्टी करने के बाद कम होगा पेन। ड्यूरेशन इसका 1 to 2 month रहेगा, इसका फ्यू वीक्स रहता है। वॉमिटिंग एंड कॉमन इसमें, और गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कॉमन है, दर्द भी हो सकता है।
एपेटाइट इसमें भूख अच्छी खासी लगेगी, इसमें कम लगेगी, है ना। डाइट जो रहेगा गुड, और ईट एंड रिलीव द पेन, इसका अवॉइड फ्राइड फूड, इसमें आपको क्या है अवॉइड करना है, जो फ्राइड फूड रहेंगे वो अवॉइड करना है डाइट डाइट में, है ना। वेट जो रहेगा नो वेट लॉस इसमें होगा, इसमें वेट लॉस होगा, इसमें हेमेटिमेसिस, इसमें 40% उल्टी हो सकती है, ब्लडी जो ब्लड आ सकता है उसमें, और इसमें 60% हो सकती है मेलिना, इसमें 60% हो सकता है, इसमें 40% हो सकता है, यानी ड्यूडेनल अल्सर के अंदर 60% मेलिना होगा। मेलिना मतलब जो स्टूल रहेगा, मोशन रहेगा, उसके अंदर ब्लड आएगा, फ्रेश हो सकता है या फिर पुराना भी हो सकता है, काले कलर की लटन होगी इसमें। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं इसमें इसमें ईजीडी यानी ईसोफेगो गैस्ट्रो एंडो ड्यूडेनोस्कोपी होती है, इसमें एंडोस्कोपिक प्रोसीजर भी करवा सकते हैं। एंडोस्कोपी के अंदर विजुलाइज अल्सर क्रिएटर, है ना, इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे अल्सर फॉर्म हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें यूजीआई अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज करा सकते हैं, जिसमें बेरियम सोलो बेरियम पेशेंट को देख के कर सकते हैं, एक्सरे विजुलाइजेशन स्ट्रक्चर देख सकते हैं अपर जीआई का, यूरिया ब्रीथ टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पता चल जाएगा एच पायलोराई का इफेक्ट तो नहीं है। इन ऑल पेशेंट विथ अलार्मिंग सिम्टम एंडोस्कोपिक इज रिक्वायर्ड, या एंडोस्कोपी के अंदर देखेंगे इसमें डिस्फेजिया, वेट लॉस, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, हेमेटिमेसिस एंड मेलेना, ये चेक करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, इसमें कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या होंगे पेप्टिक अल्सर में, जैसे कि बताया है, हेमरेज हो सकता है, परपुरेशन हो सकता है, नैरोइंग ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ना, पाइलोरस के अंदर, ईसोफेगस के अंदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं पाइलोरस में ही हो। मैनेजमेंट इसका देखेंगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, टाइम से सोना, टाइम से जागना, टाइम से खाना ये, और फ्राइड फूड नहीं खाना, है ना, प्रॉपर जो डाइट है उसको फॉलो करना है ना। हाइपोसिक्रेटरी ड्रग दे सकते हैं इसमें, जो सिक्रीशंस को कम करे, एसिड लेवल को कम करे, वो ड्रग्स दे सकते हैं। एच पिलाई रेडिकेशन थेरेपी देते हैं, या फिर सर्जरी होती है इसमें। तो लाइफ स्टाइल के अंदर देखेंगे हम, जो NSAID ड्रग ज़्यादा यूज करते हैं उनको कम करना है, स्मोकिंग नहीं करना, एल्कोहल कम करना है, स्ट्रेस कम रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हाइपोसिक्योरिटी ड्रग्स के अंदर आपको जैसे पहले बताया था, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटासिड्स, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स, म्यूकोजल बैरियर फोर्टिफायर्स, ये यूज़ करने हैं आपको। और एच पायलोरा रेडिकेशन थेरेपी के अंदर देखा गया प्रोटोन पंप एंटीबायोटिक्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आप देख सकते हैं इमेजेस को अच्छे से। सर्जिकल ट्रीटमेंट होंगे इसके, जिसके अंदर गैस्ट्रो इंटरेक्टोमी होगी, है ना, ये दिखाया गया है इमेज में। बेगोटोमी होगी, बेगोटोमी के अंदर कट बेगस नर्व को कट करेंगे, ताकि जो स्टिमुलेशन है उसको एलिमिनेट किया जा सके, है ना, सिक्रीशंस कम हो एसिड का। और पायलोरोप्लास्टी हो सकती है इसमें, पायलोरस के अंदर। देन उसके बाद में बिल्लोथ वन होगा, ये दिखाया गया है, ड्यूडेनम को कनेक्ट किया गया है, कुछ पोर्शन स्टोमक का रिमूव किया गया है इसके अंदर, इसमें स्टोमक प्लस क्या है जिजनम के पार्ट को ऐड किया गया है, इसको कहते हैं बिल्लोथ सेकेंड, जो सर्जरी का नाम है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें NG ट्यूब की केयर करना है, जो राइस ट्यूब डला है उसकी केयर प्रॉपरली करना है, केयर और मैनेजमेंट, कब फीड देना, कितने टाइम में देना है वो मैनेजमेंट करके रखना है, बैक फ्लोज का चेक करना है प्रॉपरली, कंटेंट कलर चेक करना है ना। मॉनिटर फॉर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मॉनिटरिंग करना है, जिसमें ब्लीडिंग हो सकता है ना, ब्लीडिंग के अंदर अकर्स द एनास्टोमोसिस साइट फर्स्ट 24 आवर्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव 4 to 7 डेज, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जहाँ से कनेक्ट किया है उस पार्ट को वहाँ से ब्लीड हो सकता है, वो 24 घंटे से लेकर 4 से 7 दिन तक ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। ड्यूडिनल स्टम्प लीक हो सकता है ना, गैस्ट्रिक रिटेंशन हो सकता है, जो आपने दिया है पेशेंट को, वो जो आपने डाइट दी है या फिर जो आपने फीड दिया है पेशेंट को, उसका रिटेंशन हो सकता है। डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है ना, और एनीमिया होने के चांसेस रहेंगे, मालो ऑब्जर्प्शन ऑफ फैट हो सकता है। थैंक यू गाइस, और अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ इसको, है ना। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मेरी आते रहें। थैंक यू वेरी मच।